ओह, आ गए आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी मैं लाया हूँ, वो लाया हूँ मैं पेशावरी स्टाइल चिकन कढ़ाई। और साथ में ही मैं अब शुरू कर रहा हूँ सीरीज़ वीडियो, जो कि सबसे पहले मैं लेके आया हूँ चिकन से रिलेटेड रेसिपी, जो कि आज है इसकी पहली वीडियो सीरीज़। पेशावर की ही बहुत ही फेमस रेसिपी है ये पेशावरी स्टाइल चिकन कढ़ाई। इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमने ली है लोहे की कढ़ाई। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें तेल, 5 चम्मच में डालूँगा करीब तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं डाल देता हूँ इसमें चिकन केयरफुली तरीके से। देखिए चिकन को मैंने अब कढ़ाई में डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, मीडियम आंच में धीरे धीरे जो चिकन है इसे हमें पकाना है। अब बारी है इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन को कूट के मैंने डाला है। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। चलिए अब डाल दिया है। अब अदरक लहसुन को भी हमें अच्छे से चिकन में अच्छे से मिलाना है, फ्राई करना है, धीरे धीरे करते रहेंगे। और अब मैं ढक देता हूँ करीब 5 से 7 मिनट के लिए। चलिए अब हम देखते हैं। अब मैं डालता हूँ हरी मिर्च और जिंजर जूलियन यानी इसके अदरक के लच्छे। अब मैं डाल देता हूँ टमाटर, जिनको मैंने बड़े बड़े पीस में कट किया है, यानी सिर्फ एक टमाटर को मैंने 2 पीस में कट कर लिया है। अब मैं ढक देता हूँ इसे 5 से 7 मिनट के लिए। आइए अब देखते हैं। एक बार हम इसे चला देते हैं अच्छे से, मिक्स कर देते हैं सभी को अच्छे से। टमाटर हैं उन्हें हम पकाएंगे ढककर। आइए अब हम देखते हैं। देखिए आइए अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो टमाटर है इसके छिलका है वो हमें निकाल लेना है। देखिए इस टमाटर का छिलका निकल गया है। इसी तरह हम सभी टमाटर के छिलके एक एक से निकाल लेते हैं। देखिए अब सभी को मैंने निकाल लिया है। अब इन सब टमाटरों को हम मैश कर लेते हैं अच्छे से। सब कुछ अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम डाल रहे हैं जीरा पाउडर, फिर लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर है और चिकन मसाला पाउडर। अब मसाले हमने डाल दिए हैं और जो गैस की जो फ्लेम है हम तेज़ नहीं रखिएगा, नहीं तो ये जो मसाले हमने डाले हैं वो जल जाएंगे। इसलिए गैस की जो फ्लेम है उसे हम मीडियम में रखेंगे। और अब लास्ट में हम डाल रहे हैं इसमें नमक। नमक भी अब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं ढक देता हूँ करीब 10 मिनट के लिए और जो गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल धीमी रखिएगा। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए अब हम चेक करते हैं। लुक्स डिलीशियस, इतना बढ़िया चिकन हमें लग रहा है। आप बनाइए, ज़रूर आपको मज़ा आएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अब बारी है इसमें हरा धनिया डालने की। मैं डाल देता हूँ हरा धनिया। अब धनिया डाला है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लीजिए तैयार है हमारा पेशावरी स्टाइल चिकन कढ़ाई। अगर ये आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में।